नमस्कार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 स्वाभाविक दान। इस पाठ की विधा कविता है और इसके कवि बाल स्वरूप राही हैं। इस पाठ का नाम स्वाभाविक दान इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पाठ में उन लोगों के बारे में बताया गया है जो जिनका स्वभाव ही दान देने का होता है। अभी लॉकडाउन जब चला था तब बहुत सारे लोगों ने गरीब लोगों को खाना दिया, उनकी मदद की, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उनके साथ फोटो खिंचवाए, वीडियो बनवाया और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो ये उनका स्वभाव नहीं है, बल्कि ये लोगों को दिखाने के लिए दान कर रहे थे कि हमने इतना महान काम किया है। यहाँ हम जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ में जिन लोगों का स्वभाव ही दान देना होता है उनके बारे में जानेंगे। हमारे कवि बाल स्वरूप राही ने कुछ प्रकृति की कुछ ऐसी ही चीजों को लिया है जो कि जिनका स्वभाव ही दान करने का होता है। हालांकि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, सूरज, चांद, धरती, बादल, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें दान देने का काम ही करती हैं। इनका दान देना क्यों माना जाता है, क्योंकि ये बदले में मनुष्य से कुछ भी नहीं चाहती हैं। ठीक है, ना उनको फेमस होना है, ना ही वो कुछ और उनको सोशल मीडिया पर कुछ डालना है। तो ये सारी चीजें जो है इनका स्वभाव ही दान देने का होता है, इसलिए इस कविता का नाम स्वाभाविक दान है। हमारे कवि बाल स्वरूप राही ने इस कविता में सबसे पहले पेड़ों के बारे में बताया। पेड़ों से हमें फल, फूल, छाया, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा पेड़ों से ईंधन के लिए लकड़ी भी मिलती है, फर्नीचर भी पेड़ों की लकड़ियों से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बताया गया कि पेड़ पौधे जो है वो सभी को फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। छाया देते समय या फल देते समय वह किसी भी व्यक्ति से यह नहीं पूछते कि आप कहाँ से आए हो। क्यों नहीं पूछते, क्योंकि उनका स्वभाव ही दान करने का होता है। उनको ये मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है। कोई भी उनकी छाया में आकर बैठ सकता है, कोई भी उनके फल खा सकता है। तो पेड़ पौधों का स्वभाव ही दान करने का होता है। इसके बाद इस कविता में कवि ने फूलों के बारे में बताया। देखिए, फूल सुंदर होते हैं, फूलों की जो सुंदरता होती है सभी को खुश कर देती है, उन्हें देखकर हम खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ फूलों की जो खुशबू होती है वह भी सभी लोगों के लिए समान है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि फूलों को तोड़कर उसकी खुशबू लेता है तो फूल जो है यह नहीं सोचता कि मैं इस व्यक्ति को अपनी खुशबू दूं या ना दूं। उसके लिए हर एक व्यक्ति के लिए उसकी खुशबू समान है, कोई अंतर नहीं उसके लिए किसी भी व्यक्ति का। इसके बाद स्वाभाविक दान के अंतर्गत यहाँ कवि ने बादल के बारे में बताया। बादल कैसे बनते हैं? समुद्र का पानी जब गर्मी के कारण भाप बनकर ऊपर जाकर जमा होता है तो वहाँ वह पूरा पानी जमा होकर बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। अब बादल की भी क्या विशेषता होती है कि वह कभी भी अपने आप में जल का संचय, मतलब जल को इकट्ठा करके नहीं रखते। जैसे ही उनके पास पानी अधिक होता है वह पूरा का पूरा जल जो है वह बरसा देते हैं, पानी पूरा का पूरा बरसा देते हैं जिसके कारण से बारिश होती है। तो ये बादल का स्वभाव है, वह कभी भी संचय करके नहीं रखता है। दूसरे लोगों की आदत होती है कि वे अपने पास धन का संचय करके रखते हैं, सोचते हैं हमारे बच्चे खाएंगे या उनके बच्चे खाएंगे, लेकिन बादल इस तरह का विचार कभी नहीं रखता। जैसे ही उसके पास पानी का संचय होता है वह बारिश के द्वारा पूरी धरती को भिगो देता है। तो जो लोग स्वभाव से ही दानी होते हैं उनके मन में कोई शंका नहीं होती, मतलब उनको दुनिया को दिखाना नहीं होता कि हमने इतना दान किया है या इतने गरीब लोगों की सहायता की है। वे कभी भी दान देकर जो है वह सोशल मीडिया पर फोटो नहीं डालते हैं। इस तरह का काम जो है कि हमने दान दिया या हमने पैसा दिया या हमने गरीब लोगों की मदद की, इस तरह के काम जो है वो छोटे दिल वाले करते हैं, जिन्हें दुनिया को दिखाना होता है कि हमने ऐसा काम किया। मतलब जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं वे इस तरह का काम नहीं करते।
उनका स्वभाव ही दान देने का होता है। इसके विपरीत जो छोटे दिल वाले होते हैं वे जो है लोगों में भेदभाव करते हैं। क्यों करते हैं? वे यही सोचते हैं कि हम इस व्यक्ति की मदद करेंगे। मान लीजिए वे अपने किसी रिश्तेदार की मदद करते हैं तो रिश्तेदार की मदद करने पर उनको अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं यार ये मेरा एहसान नहीं मानेगा। ये छोटे दिल वाले सोचते हैं। वो क्या करेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति को दान देंगे जो उनका एहसान माने। साथ ही साथ उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे कि हमने ऐसा कुछ किया। तो उनका जिनका दिल छोटा होता है, जो सबको अपना नहीं मानते, वो इस तरह का काम करते हैं। लेकिन जिनका दिल स्वाभाविक होता है दान करने का, वे इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि प्रकृति के अंतर्गत पेड़ पौधे, फूल, बादल, इनके कुछ उदाहरण कवि ने हमें बताए हैं। तो ये था हमारा पाठ 9 स्वाभाविकता। उम्मीद है आप लोगों को यह कविता समझ में आई होगी। इसका जो सार था वह मैंने आपको समझाया। धन्यवाद।